एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। नालंदा के दो ऐतिहासिक छठ घाटों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक। नालंदा जिले के दो ऐतिहासिक छठ घाट ओगारी धाम और बड़गांव में बाहर से आने वाले छठ व्रतियों पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष इन दोनों छठ घाटों पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड समेत कई प्रदेशों से छठ व्रती यहां आकर टेंट में प्रवास कर छठ व्रत किया करती थी, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का ओगारी धाम और बड़गांव छठ घाट पर रोक लगा दी गई है। इस बार इन छठ घाटों पर स्थानीय छठ व्रती ही अर्घ्य दे पाएगी। प्राचीन काल से ही ओगारी धाम और बड़गांव छठ घाट का अपना महत्व है। स्थानीय पुजारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा श्याम के शरीर में कुष्ठ व्याधि हो गया था। इसी सूर्य मंदिर तालाब में स्नान कर सूर्योपासना उन्होंने की थी, जिससे वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। उसी समय से इस बड़गांव छठ घाट का अपना महत्व रहा है। यह परंपरा पिछले द्वापर युग से चला आ रहा है। अभी भी इस छठ घाट पर जो छठ व्रती मान्यता लेकर छठ करने आती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बाहर के लोग तो नहीं आएंगे यहाँ, लेकिन जवारी लोग यहाँ जो है अर्घ देंगे और कोरोना को देखते हुए जो है से कि यहाँ व्यवस्था है, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं। क्या रोक लगाया गया प्रशासन के द्वारा? रोक वही लगाया गया कि कोरोना को जो है से देखते हुए यहाँ काम होना है, बाहरी लोग नहीं आएंगे। प्राचीन इतिहास क्या है यहाँ पर? यहाँ ओंगारी और बड़गांव दोनों ही बहुत महत्व है छठ पूजा के लिए। ये घाट पूर्वजों से यहाँ जो पूजा करते हैं उनकी तुरंत मनोकामना पूर्ण होती है। बड़गांव धाम में प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि इस बार हम लोग ऐसा व्यवस्था करें कि यहाँ भीड़ भाड़ बाहरी लोग ना आए ज़्यादा, क्योंकि कोविड के चलते अभी जो दिल्ली में महामारी फैला है, जिस तरह से बढ़ गया अचानक दिल्ली महाराष्ट्र में, उसके चलते दोबारा बिहार में हम लोग इस कोविड में ना फंसें, हमारा जनता माता बहन सुरक्षित रहें। लेकिन इस आस्था का पर्व को हम लोग ठुकरा भी नहीं सकते हैं। हिंदू में सबसे ये महत्वपूर्ण पर्व है, इसी के चलते बड़गांव ओंगारी धाम में लोकल सभी छठ व्रती माता अर्घ देंगे और बिहार के विकास के साथ साथ सभी लोग यही कामना करेंगे कि हम लोग कोरोना से मुक्त हों, छठी मैया जल्द से जल्द इस रोग से दूर करें।